শেহতীয়াকৈ বাইকেৰে লাডাখ ভ্ৰমণ কৰা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক লৈ কেবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে। এক ইঞ্চি মাটি নিদিওঁ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাটো সঁচা নহয় বুলি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। লাডাখৰ ভূমি চীনে কাঢ়ি লৈ গৈছে আৰু মই নিজে ৰাইজৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ, লাডাখৰ যিকোনো ব্যক্তিক সুধিলেই চীনে মাটি কাঢ়ি নিয়া বুলি কৈ দিব। লাডাখৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য জানিবলৈ লাডাখত মই উপস্থিত হৈছোঁ। এইদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰাহুল গান্ধীয়ে লাডাখত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। चाइना की सेना घुसी है, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। वॉज वन ऑफ माई ग्रेट टीचर्स एज आई थिंक मोस्ट पीपल्स फादर्स आर। आई रिमेंबर वंस व्हेन आई वाज स्मॉल ही हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम पैंगोंग and he had taken some pictures and so he told me that he thought this was the most beautiful place on earth. During Bharat Jodo Yatra I was supposed to come to Ladakh, but for some logistical reasons we couldn't come. So I thought let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We're going to Nubra, Kargil, so I thought I'd listen to what the people have to say. Listen to what the people have to say, what their concerns are. Over here the concern is of course the land that has been taken away by China, and people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away, and also lack of connectivity here, cellular connectivity. So राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेज़ी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूँ, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। सर, पापा ने बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। तो मैं आना चाहता था, तो मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पे यहाँ अगर आ जाऊँ तो अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसमें यहाँ आया जाया। सर, हाउ वाज योर बाइक राइड यस्टरडे? यू ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर। इट वाज नाइस बिकॉज आई फाइंड जो अगर बाइक से जाते हैं तो लोगों से ज़्यादा आसानी से बातचीत हो जाती है, मतलब एक्सेस आसान होती है। गाड़ी में थोड़ा बंद रहते हैं तो कम बातचीत हो पाती है, मगर यहाँ पे कम ट्रैफिक है तो सिक्योरिटी वाले इतना माइंड नहीं करते हैं। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में शायद मुझे ना करने दें। राहुल सर, यूथ से लगातार आप मिल रहे हैं, हमने देखा फुटसॉल मैच में भी आप यूथ से मिल रहे थे, पूरा जो 17 अगस्त से आपका पूरा ये दौरा है, यूथ से मिल रहे हैं, यूथ का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या बातचीत हो रही है यूथ से? नहीं, यहाँ पे लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है, जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है, इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। 2019 में यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेके अब तक चुनाव नहीं हुए, क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी, और आप क्या समझते हैं इस बारे में? हाँ, ये तो है, लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू
नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज़ से स्टेट चलना चाहिए। तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है।